ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 22 समर्थक विधायकों की बदौलत शिवराज सिंह चौहान को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद मिला है, ये बात आप सब जानते हैं। आज 14 महीने कांग्रेस की सरकार चलने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कमल जो मध्य प्रदेश के सरजमी पर खिला है, उसका सबसे बड़ा श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया के समर्थक विधायकों को जाता है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल यही सिंधिया और इनके यही 22 विधायक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार तो बन गई, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार लॉकडाउन के बाद होगा। अब शिवराज सिंह चौहान के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिंधिया समर्थक विधायकों के बीच अपने विधायकों को मंत्रिपरिषद में एडजस्ट करने को लेकर है। सिंधिया गुट के मंत्रियों के बीच भाजपा के विधायक कहीं नाराज ना हो जाएं, कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक विधायकों को खुश करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी अपने ही विधायकों को नाराज ना कर जाए, ये चुनौती फिलहाल पार्टी के सामने और शिवराज सिंह चौहान के सामने खड़ी हो गई है। इसी मुद्दे पर विस्तार से आपको जानकारी देते हैं। दरअसल सूत्रों के आधार पर मिली जानकारी की माने तो मंत्रिमंडल में 24 से 26 विधायक शामिल हो सकते हैं। इन 26 विधायकों में 8-10 मंत्री सिंधिया गुट के बनाए जा सकते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को इसलिए परेशानी का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि दोनों गुटों में शामिल दिग्गज नेता आपस में टकरा रहे हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के शानदार नेता भी हैं और शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनने का मौका देने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक भी। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान के सामने मुश्किल ये है कि खुश किसे रखा जाए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों को या हमेशा से शिवराज सिंह चौहान का साथ दे रहे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को। खैर आपको बता दें 14 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, इसके बाद मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। देखना होगा कितनों को शिवराज सिंह चौहान खुश कर पाते हैं और किस किस को निराशा हाथ लगती है। SPN 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।